बैरी पिया बड़ा रे बेदर्दी हो बैरी पिया बड़ा बेदर्दी। यूलिया वेंटूर के न्यू ईयर प्लान का सलमान खान ने किया बंटाधार। क्या न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर सलमान यूलिया में हुई तकरार? सुनो सुनो सुनो, क्योंकि मिस ढिंचा की ये खबर है काफी धमाकेदार। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। एक्चुअली इस साल कैटरीना के साथ टाइगर जिंदा है के बहाने अबू धाबी से लेकर मोरक्को, ऑस्ट्रिया और ग्रीस घूमने वाले इन गर्लफ्रेंड को वक्त नहीं दे पा रहे थे। हालांकि यूलिया ने सलमान के बिजी स्केड्यूल को देखकर जैसे तैसे खुद को समझाया, लेकिन अब जब फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है तो मिस वेंटूर के दिल में भी सलमान के साथ विदेश घूमने की चाहते जगने लगी है। जैसा तू है वैसा रहना, जग घूमे यादार जैसा ना घूमी, जग घूमे यादार जैसा ना घूमी। अकॉर्डिंग टू मिस ढिंचाक, बॉलीवुड के दूसरे कपल्स की तरह यूलिया वेंटूर भी इस बार सलमान के साथ किसी विदेशी रोमांटिक लोकेशन में नए साल का वेलकम करना चाहती थी। यूलिया वेंटूर सलमान के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए विदेश जाना चाहती थी। सलमान की फैमिली के साथ हर मौके पर खड़ी रहने वाली यूलिया इस वेकेशन में अपने पेरेंट्स को भी बुलाना चाहती थी। इन शॉर्ट, यूलिया ने सलमान के साथ अपने ड्रीम वेकेशन की सारी प्लानिंग कर ली थी। वो ही करना जो है करना, जग घूमैया कर जैसा ना कोई, जग घूमैया कर जैसा ना कोई। लेकिन अफसोस, सलमान को यूलिया का ये आइडिया बिल्कुल नहीं आया पसंद। मिस वेंटूर के साथ विदेश में नए साल का वेलकम करने के लिए नहीं रेडी हुए दबंग। मिस ढिंचैक का कहना है कि सलमान के इस ना की वजह से यूलिया के साथ हुई उनकी काफी अनबन। दरअसल सलमान खान इन दिनों काफी बिजी चल रहे हैं। हालांकि उनकी फिल्म टाइगर जिंदा है 22 दिसंबर को रिलीज हो जाएगी, जिसके साथ ही फिल्म का प्रमोशन भी खत्म हो जाएगा। लेकिन सलमान ने अब रेस 3 की शूटिंग भी शुरू कर दी है। सलमान को हर वीकेंड 27 दिसंबर को बजरंगी भाईजान अपना 52nd बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे। सलमान की बर्थडे पार्टी हर साल की तरह इस बार भी उनके पनवेल वाले फार्म हाउस में ही होगी। मिस ढिंचैक का कहना है कि सलमान पनवेल में ही अपनी फैमिली के साथ नया साल मनाना चाहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यूलिया अपने घर वालों के साथ नए साल का वेलकम करना चाहती हैं। ऐसे में या तो सलमान और यूलिया इस बार एक साथ नहीं कर पाएंगे न्यू ईयर का सेलिब्रेशन, या फिर मिस वेंटूर को दिल पर पत्थर रखकर पनवेल में ही सलमान और उनकी फैमिली के साथ मनाना होगा नए साल का जश्न।